हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉर्नर। बायोलॉजी कॉर्नर में आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ये चार कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी? नंबर वन, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस जो के मेल गोनेड्स है, एंड दीज गोनेड्स एज कैन बी सीन इन दिस डायग्राम, दे आर हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। तो ये जो टेस्टिस हैं, दे आर प्रेजेंट इन साइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। इसी तरह सेकेंड कॉम्पोनेंट, इसमें हम कहते हैं दे आर एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स का क्या काम है? एक्सेसरी डक्ट्स मेल गैमीट्स को, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, इन मेल गैमीट्स को स्टोर करती है और इनको ट्रांसपोर्ट करती हैं ये डक्ट्स। कौन कौन सी डक्ट्स इन में शामिल हैं, इस पे हम अभी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे देयर आर सर्टन ग्लैंड्स, जिन्हें हम कहेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स डिफरेंट सेक्रीशंस ऐड करती हैं स्पर्म में, जो कि स्पर्म्स की नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा दे प्रोवाइड अ लिक्विड मीडियम विच इज नेसेसरी टू प्रोपेल स्पर्म्स आउटसाइड द बॉडी। और चौथे नंबर पे फोर्थ कॉम्पोनेंट, कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज यूज टू डिपॉजिट स्पर्म्स इन साइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पीनस। इन चारों कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हमारा फोकस होगा जो फर्स्ट कंपोनेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जी हां, टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच आर प्रेजेंट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। बाकी तीनों कंपोनेंट्स को भी हम अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। बहरहाल, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टेस्टिस। और अगर एक एडल्ट इंडिविजुअल में टेस्टिस के एवरेज साइज की बात की जाए, तो टेस्टिस आर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ओवल शेप्ड ऑर्गन्स, और इनकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर इसकी एवरेज विड्थ होती है। एंड दीज टेस्टिस आर हैंग्ड आउटसाइड द बॉडी विद अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड हैंग्स द टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी। और अगर एक टेस्टिस का आप क्रॉस सेक्शन काट के देखें, तो इसका इंटरनल व्यू कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। दे आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस टेस्टिस। इनको वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट सराउंड द टेस्टिस, दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है आउटसाइड द टेस्टिस। अंडरनीथ दिस प्रोटेक्टिव लेयर अ स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट। और इस टेस्टिस के टिश्यू को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। तो सेकंड लेयर इज ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। नेक्स्ट, इस टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इट इज एक्चुअली सब डिवाइडेड इन टू ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप्ड कंपार्टमेंट्स। और इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये आपके सामने मैं एक कंपार्टमेंट को हाईलाइट कर रहा हूं। इस तरह के कंपार्टमेंट्स, ट्राइंगुलर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में, और इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ऑलमोस्ट एक टेस्टिस के अंदर देर आर 250 लोब्यूल्स इन वन टेस्टिस। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं।
इन हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, यहां पे आपको ब्लू में नजर आ रही है, इन्हें हम कहते हैं दीज आर सेमीनेफरस ट्यूब्यूल्स। और एक लोब्यूल के अंदर एक या दो, वन और टू सेमीनेफरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन लोब्यूल। अब ये सारी की सारी सेमीनेफरस ट्यूब्यूल्स जो है ये फाइनली मर्ज होती हैं, और एट अ साइट वेयर दीज सेमीनेफरस ट्यूब्यूल्स मर्ज एक नेटवर्क प्रोड्यूस होता है ट्यूब्यूल्स का। इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। ये वो रीजन है जहां पे सारी सेमीनेफरस ट्यूब्यूल्स आप समझ ले आकर एम्प्टी हो रही है, ये आके आपस में मर्ज होती है। और यहां से रेटी टेस्टिस से देर इज अनदर सिस्टम ऑफ डक्ट्स, देर इज अनदर सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स जो यहां से मटीरियल को कैरी करेंगी टूवर्ड्स नेक्स्ट डक्ट सिस्टम, और इन डक्ट्स को जो कि रेटी टेस्टिस से मटीरियल को लेकर टेस्टिस से एग्जिट कर रही है, इन डक्ट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड वैस एफरेंशिया। दे आर टेकिंग मटीरियल आउटसाइड द टेस्टिस, और ये वैस डेफरेंशिया फाइनली ये जाके एम्प्टी होती हैं इनटू अनदर ट्यूब्यूल, इनटू अनदर डक्ट विच इज हाईली क्वाइल्ड। और इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एपी डाइडीमस, मोर स्पेसिफिकली इसे हम कहते हैं डक्टस एपिडाइडिमस विच इज अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। फाइनली दिस क्वाइल्ड ट्यूब्यूल ट्रांसफॉर्म्स इनटू वन डक्ट विच इज कंपैरेटिवली अ स्ट्रेटर डक्ट। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वैज डेफरेंस। वैज डेफरेंस इन टेस्टिस से स्पर्म्स को लेकर के एग्जिट करेगी। तो ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब यहां से अगर एक सेमीनेफरस ट्यूब्यूल का सेक्शन आप काट के इसको आप समझ ले मैग्नीफाई करके देखें, तो सेमीनेफरस ट्यूब्यूल का जो इंटरनल व्यू है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। सेंटर में आपको नजर आ रहा है ये ल्यूमन ऑफ अ सेमीनेफरस ट्यूब्यूल, और ये इसको सराउंड किया हुआ है, ये नेबरिंग सेमीनेफरस ट्यूब्यूल्स है। अब एक सेमीनेफरस ट्यूब्यूल की दो इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, इसको सराउंड किया होता है अ लेयर कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ल्यूमन वाली साइड पे जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथीलियम। और ये जर्मिनल एपिथीलियम जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, क्यों, इसी के अंदर गेमेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट है। जर्मिनल एपिथेलियम कंटेन्स स्पर्मेटोगोनिया एंड दीज स्पर्मेटोगोनिया थ्रू मियोसिस विल प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। सो एक्चुअली दिस एपी जर्मिनल एपिथेलियम, अगर इसका हम सेक्शन काट के देखें, वी विल सी जर्मिनल एपिथेलियम कंटेन्स टू वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट टाइप ये आपको ब्लू में लार्ज सेल्स नजर आ रहे हैं, these large cells are called sertoli cells. तो first important type of cell which is present in germinal epithelium, they are sertoli cells. sertoli cells क्या करते हैं, sertoli cells का काम है nourishment. these are nourishing cells, these are nursing cells you can say. ये sperms को as long as they are present in seminiferous tubules, in sperms को nourish करते हैं ये sertoli cells. इन्हीं large sertoli cells की membranes के अंदर embedded होते हैं second type of cells, इन cells को हम कहते हैं they are spermatogonia, singular spermatogonium, spermatogonia which are actually diploid cells. और ये स्पर्मेटोगोनिया वाइल दे आर इंबेडेड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ सर्टोलाइ सेल्स, दे डिवाइड, दे अंडरगो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड देयर नंबर इज इंक्रीज्ड। और इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया दे विल डिवाइड बाय मियोसिस आफ्टर
undergoing different stages of meiosis, they will produce male gametes called sperms. Ye sperms bhi, initially they are embedded in membrane of fertilized cells, and after maturation they detach from germinal epithelium and they fall into the lumen of seminiferous tubule. So while maturation, these sperms are embedded in inner surface of seminiferous tubules, or you can say germinal epithelium, but after maturation they fall into the lumen of seminiferous tubule, and from this lumen these sperms are carried towards rete testis, from where vas afferentia carry them towards epididymis, and from epididymis through vas deferens they are further transported and will ultimately be expelled outside the body. Ab ye spermatogonia, which are most important cells present in germinal epithelium, jo ke aap samajh le ye precursors hain male gametes ke, sperms ke. ये स्पर्मेटोगोनिया किन स्टेजेस में से गुजर के मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, यहां पे जैसे देखें इस डायग्राम के अंदर, ये आप समझ ले एक स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम विच इज अ डिप्लॉइड सेल. ये स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम ये कंटिन्यूअसली माइटोसिस से डिवाइड कर रहे होते हैं और इनका नंबर इंक्रीज कर रहा होता है, और इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया दे विल ग्रो इन साइज एंड दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल. इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं. दे आर स्टिल डिप्लॉइड सेल्स एंड दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल डिवाइड नाउ बाय मियोसिस, नॉट बाय माइटोसिस. और मियोसिस से जब ये डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिवीजन वुड बी कॉल्ड एज मियोसिस वन, और मियोसिस वन से ये डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज होगा. दीज आर नाउ हैप्लॉइड सेल्स, बिकॉज यू शुड नो मियोसिस वन इज रिडक्शन डिवीजन. मियोसिस वन क्या करेगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस कर देगी टू हाफ, जैसा कि इन केस ऑफ ह्यूमन जो डिप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम का दैट इज 46. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टिल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स, बट आफ्टर मियोसिस वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे एंड दे कंटेन 23 क्रोमोसोम्स ईच. दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर नेक्स्ट डिवीजन होगी मियोसिस टू, विच इज जस्ट लाइक माइटोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम दिस टाइम. और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से इन टोटल चार सेल्स प्रोड्यूस होंगे एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स विच आर ऑल्सो हैप्लॉइड सेल्स. तो एक स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूसेस फोर स्पर्मेटिड्स. इस प्रोसेस को, एक स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड्स की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. इतना जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे. अब इन स्पर्मेटिड्स से नेक्स्ट प्रोड्यूस होने हैं स्पर्म, बट दी स्पर्मेटिड्स विल नॉट डिवाइड अगेन, बल्कि इनके अंदर आप समझ होती है मेटामोफोसिस, दे चेंज देयर शेप एंड स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर एडेड, और एक एक स्पर्मेटिड से एक एक स्पर्म प्रोड्यूस होगा. स्पर्मेटिड से स्पर्म की जो प्रोडक्शन है इसे हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. सो इट मींस स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटिड्स, एंड स्पर्मेटिड का स्पर्म में चेंज होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस आर टू सेपरेट प्रोसेस. तो इस तरह से जो मेल गैमेट्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, लेकिन टेस्टिस का काम सिर्फ स्पर्म्स प्रोड्यूस करना नहीं, बल्कि एक इंपॉर्टेंट हार्मोन ये टेस्टोस्टेरोन, ये भी मेल गोनेड्स टेस्टिस ही प्रोड्यूस करते हैं. और
टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है कहां पे? वापस आए इसी डायग्राम के अंदर सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल का, जहां पे आपको सेक्शन नजर आ रहा है, बिटवीन दीज सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टीशियम, और इसमें प्रेजेंट होंगे क्या? इंटरस्टीशियल सेल्स। दीज इंटरस्टीशियल सेल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, these interstitial cells under the action of a pituitary hormone, interstitial cell stimulating hormone ICSH, ये produce करते हैं क्या? male sex hormone testosterone. testosterone का male की sexuality और secondary sex characters को control करने में क्या role है, इसको हम अपने future lectures में discuss करेंगे. इसी तरह एक sperm का detailed structure और हर पार्ट ऑफ द स्पर्म का स्पेसिफिक फंक्शन जो है, ये भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. आज हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट टेस्टिस, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल. सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कंटेन जर्मिनल एपिथीलियम. जर्मिनल एपिथीलियम हैज टू सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टिलाइज सेल्स विच आर नर्सिंग सेल्स. स्पर्मेटोगोनिया बाय मियोसिस प्रोड्यूस स्पर्म्स. अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो स्पर्म्स हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने में एक्सेसरी डक्ट्स का क्या रोल है, और इस एक्सेसरी डक्ट्स के सिस्टम में कौन कौन सी डक्ट्स प्रेजेंट है. थैंक यू.